राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद कई राज्यों तक पहुंच चुका है। हिजाब से जुड़े सवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि कोई बच्ची अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती। भगवा कपड़ों के सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं भगवे को किसी अन्य पर थोप नहीं रहा। एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ से यूपी चुनाव के साथ साथ हिजाब विवाद पर भी सवाल किए गए। इस पर योगी ने कहा, जो लोग तालिबान बनाने का सपना देख रहे हैं, दंगा राज रिपीट जो लोग तालिबान लाने का सपना देख रहे हैं, दंगा राज लाने का सपना देख रहे हैं, आधी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं, उनसे तो यही बोलना पड़ेगा, गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। योगी से आगे सवाल किया गया कि विपक्ष पूछता है मुख्यमंत्री जो चाहे वो पहनते हैं, तो लड़कियों को ये आज़ादी क्यों नहीं होनी चाहिए कि अगर वो हिजाब पहनना चाहती हैं तो पहन सके। इस पर सीएम योगी ने कहा, कोई भी बच्ची अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती। वो बोले कि क्या तीन तलाक को महिलाएं मर्जी से मान लेती हैं? उन बेटियों बहनों से पूछेंगे तो पता चलेगा, मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। हाँ, मैं अपनी मर्जी से भगवा कपड़े पहनता हूँ, लेकिन मैं इसे अपने कार्यालय पर थोप नहीं रहा। क्या मैं कार्यालय में पार्टी में सबको बोल सकता हूँ कि भगवा पहन कर आओ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सबको स्वतंत्रता है, लेकिन संस्था के अनुशासन का ध्यान रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।